बिस्मिल्लाह माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन. आई एम हेयर विद यू विद दिस सेकंड लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज़ डॉक्टर आफ्ताब अकरम. आई हैव डन PhD इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम साउथ चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी इन गुआंगझू चाइना. एंड करंटली आई एम वर्किंग एज लेक्चर इन डिवीजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर. And today's lecture is about the history of computer, how the computers evolved into the current form. तो ये एक काफ़ी डिटेल से लेक्चर है. इसमें हम काफ़ी जो है वो ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे ये एक डिफरेंट इराज में डिफरेंट ऐसे डिवाइसेस बनाएंगे जो कि एज ए कंप्यूटिंग टूल यूज होती थी. तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. First of all, we will discuss that what is the purpose of computer. So it's very important to discuss the history so that we can know that how different improvements and different innovations were made in this in the development of computing devices. Original purpose of computer was to develop a calculating device. ये हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर इज एक्चुअली अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट. तो इसकी जो स्टेम है वो बेसिकली कंप्यूट है. तो उसका मतलब ये है कि कंप्यूटर से मुराद ये है कि कोई भी ऐसा पर्सन या कोई ऐसी डिवाइस विच कैन परफॉर्म कैलकुलेशन. द डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर डेट बैक टू रफली 3000 BC. एंड एट दैट टाइम अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एबाकस वॉज इन्वेंटेड. एंड दिस वॉज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ एनी कैलकुलेटिंग डिवाइस इन ह्यूमन हिस्ट्री. तो ये एबाकस बड़ी एक सिंपल सी डिवाइस है. ये आज भी बास कंट्रीज में जो स्टूडेंट्स हैं जो अर्ली क्लासेस में हैं प्राइमरी लेवल तक, तो उनको कैलकुलेशंस सिखाने के लिए जो है वो अभी भी यूज़ हो रही है एबाकस. सो इट वाज अ वेरी सिंपल डिवाइस. अगली स्लाइड में जाके इसको देखते हैं. तो इसका इसके एक बाज जगहों पर इसके एविडेंस मिलते हैं कि दिस डिवाइस वॉज यूज एज अ कैलकुलेट. लेकिन ये डिवाइस सिर्फ जो है वो सिंपली एडिशन और सबट्रैक्शन परफॉर्म कर सकती थी. तो बेसिक इसमें ये था कि एडिशन सबट्रैक्शन की ही मदद से हम ये कर सकते हैं कि हम इसमें डिवीजन भी परफॉर्म कर सकते हैं. इट वाज अ फ्रेम विद सेवन वायर्स अक्रॉस इट ऑन ईच ऑफ विच अ नंबर ऑफ बीट्स आर स्ट्रंग एंड इट कैन परफॉर्म एडिशन सबट्रैक्शन वेरी वेल. इट कैन ऑल्सो परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. बेसिकली एज यू नो डैट वी कैन परफॉर्म एडिशन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन. तो वही तरीकेकार पे इसमें यूज होता था. लेकिन बेसिकली ये डिवाइस जो है वो सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन. सो दिस इज अ सिंपल अबाकस. आप इसमें देख सकते हैं कि देर आर वायर्स और उन वायर्स के ऊपर जो है वो बीट्स लगे हुए. तो वो एक्चुअली दीज आर फोर पोजिशन ऑफ डिजिट्स. ईच इसमें जो वायर है वो रिप्रेजेंट करती है कि पोजिशन जो है वो बीट जो होती है डिजिट्स की वो क्या है. जैसे आपको पता है कि अगर आप लेट्स सपोज कि आपके पास एक नंबर है 112, तो इसमें ये जो है ये वंस पोजिशन पे है, ये टेंथ पोजिशन पे है और ये जो है ये 100 पोजिशन पे है. तो इसी तरह से ये सेम इस तरह से जो बीट्स है ये वंस पोजीशन की है, ये टेंथ पोजीशन की है, ये 100 पोजीशन की है. तो इस नंबर को अगर आपने रिप्रेजेंट करना हो तो इस जगह पे एक होगा बीट होगा, यहाँ पे एक होगा और यहाँ पे दो बीट होंगे. तो ये एक्चुअली दिस विल रिप्रेजेंट दिस नंबर 112. तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हम नंबर्स को ऐड भी कर सकते हैं और सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं. सो दीज आर एक्चुअली दिस एवरी वायर इन दिस फ्रेम दैट रिप्रेजेंट्स अ डिजिट पोजिशन. कि उस वो पोजिशन जो है वो डिजिट किस पोजिशन पे है. तो इसी तरह से थाउजेंड्स वाली होती हैं एंड सिमिलरली देर इज टेंस ऑफ थाउजेंड्स और इस तरह से ये जो है ये आगे चलता रहता है. ओके ये भी एक चाइनीज एबेकस है. थोड़ा सा चाइनीज ने इसको मॉडिफाई किया था. ये ऊपर वाला जो है बेसिकली कैरी के लिए यूज़ होता है. जब आप कैरी करते हैं आपको पता है कि सम टाइम हमें एडिशन और सबट्रैक्शन में कैरी करने की ज़रूरत पड़ती है. तो ये कैरी के लिए ये ऊपर वाला फ्रेम जो है ये उसके लिए होता है. एंड
दिस वॉज ए बेकस, ये बेसिकली मिट्टी से बना हुआ था, क्ले एक्चुअली इज मेड ऑफ क्ले। तो ये आप कह सकते हैं कि इट वॉज द अर्लीस्ट नॉन मॉडल ऑफ अबाकस। तो इसमें ये सिंपल जो है ये आप देख सकते हैं कुछ अजीब से आपको लेटर्स में वो इसके ऊपर लिखे नज़र आ रहे हैं, एंड दिस दीज आर सम मे बी सम रोमन लेटर्स, ओल्ड रोमन लेटर्स। तो नेक्स्ट हमने मूव करना है जो कंप्यूटिंग, ये तो पुराने थोड़ी सी दौर की बात थी। नाउ वी मूव ऑन टू द मोस्ट लेटेस्ट एरा व्हिच इज़ द मैकेनिकल एरा। तो ये आपने मे बी थोड़ा हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि देयर वॉज अ टाइम व्हेन ह्यूमन स्टार्टिंग बिल्डिंग मशीन्स। मेनली वो मशीन जो थी वो स्टीम से चलती थी। उसकी जो एक बहुत अच्छी एग्जांपल है वो है स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन्स का बेसिकली काम क्या था कि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते थे, एंड देयर वर इंस्पायर्ड फ्रॉम हॉर्सेस। कि जिस तरह से हॉर्सेस हैं उनकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हम स्टीम इंजन्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए, और हम उसकी मदद से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो दैट वाज इन एरा कि जब मैकेनिकल डिवाइसेस जो हैं वो बिल्ड हो रही थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी इसको कहते हैं बिकॉज के इससे जो है वो ह्यूमन जो है वो मैनुअल वर्क से शिफ्ट हुए थे टुवर्ड्स मैकेनिकल वर्क, मशीन्स के यूज़ की तरफ जो है वो शिफ्ट हुए थे। तो जिस तरह से बाकी डिवाइसेस मशीन्स डेवलप हो रही थी, उसी तरह से कोशिश ही की जा रही थी कि एक ऐसी मशीन डेवलप की जाए विच कैन परफॉर्म कैलकुलेशन जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन कैन परफॉर्म कैलकुलेशन। तो उसके लिए डिफरेंट लोगों ने एफर्ट की। तो हम अभी इस सेक्शन में जो है वो हम इन्हीं एफर्ट्स को देखेंगे कि वो क्या थी। देर वर डिफरेंट थिंग्स, और इस सेक्शन के एंड में हम देखेंगे कि इन इन डिवाइसेस के क्या क्या इनके ड्रॉबैक्स थे, उसको हम जो है वो थोड़ा डिटेल से देखेंगे। सो लेट्स बिगन इट। सबसे पहले एक जर्मन मैथमेटिशियन था, हिज नेम वाज विलहम शेकार्ट। तो उसने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर डेवलप किया था। दिस वाज इन 1630 अराउंड, रफली अराउंड 1630, काफ़ी पुरानी बात है। इट वाज एबल टू डू सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। एंड दिस वाज द ये बेसिकली उसकी एक आप कह सकते हैं रिक्रिएशन है, ये ओरिजिनल मशीन नहीं है। तो लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें इसके ये जो है ये बेसिकली दिस वाज द की पैड, ये की पैड था। और यहाँ पे कुछ डायल्स हैं जिसकी मदद से आप इनमें डिजिट्स वगैरह सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ डिस्प्ले हैं, ये देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे डिजिट्स नज़र आ रही हैं कुछ। तो एक्चुअली इट वॉज अ मैकेनिकल मशीन, तो आपको यहाँ पे डायल्स नज़र आ रहे हैं, स्विचेस नज़र आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे आप इसको पंच कर सकते हैं डिफरेंट नंबर्स। तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक एविडेंस है कि इस तरह की एक मशीन जो है वो फॉर कैलकुलेशन जो है वो यूज़ होती थी। नेक्स्ट है एक इस वेरी पॉपुलर, दिस वाज ब्लेज पास्कल का आपने नाम सुना होगा। ही वाज फ्रेंच साइंटिस्ट, मे बी केमिस्ट्री वाले इससे ज़्यादा फेमिलियर हैं पास्कल से। तो इसने 1642 में एक इसी तरह से एक मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंट किया था, और उसका उसने नाम रखा था पास्कलाइन। इस फॉर्म पास्कल टू पास्कलाइन मशीन का नाम था। एंड ही मेड मैनी इम्प्रूवमेंट्स इन मशीन एंड इट वॉज बेटर दैन शिकार्ट कैलकुलेटर। बेसिकली इस वक्त में ये जो दौर था इसमें जो जो इशू था बहुत बड़ा जो मैकेनिकल कंप्यूटर्स के साथ, वो ये था कि ये जो मशीन्स थी ये इतनी एक्यूरेट नहीं थी। और इसके अलावा ये होता था कि चूंकि इसमें मैकेनिकल कॉम्पोनेंट्स होते थे तो दे कैन ब्रेक वेरी इजीली, तो वो बहुत उनमें ब्रेक डाउन बहुत ज़्यादा था। तो इसी तरह से जो कोशिश थी लोगों की वो ये थी कि हम ऐसी मशीन बनाएं जो जिसमें जो कैलकुलेशंस की एक्यूरेसी है वो ज़्यादा हो और उसमें जो ब्रेकडाउन है वो भी कम हो। ओके, बट विच इट वाज नॉट सक्सेसफुल ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट। तो उसमें इसने इम्प्रूवमेंट्स तो की बट इट्स कॉस्ट पर वेरी हाई। तो ये एक है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ ये मॉडर्न स्टाइल के जो गेयर्स हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, यू कैन सी हेयर। और ये पुरानी कोई किसी म्यूजियम से पिक्चर जो है वो ली गई है, एंड ये यहाँ पे शायद इसका नाम भी जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पास्कल का नाम भी जो है वो लिखा हुआ है। तो दिस वाज
दिस वॉज अ गुड मशीन, लेकिन अगेन इस पे प्रॉब्लम ये थी कि इसकी कॉस्ट भी हाई थी और इस पे कुछ मैकेनिकल इश्यूज भी इसके अंदर जो है वो थे। ओके नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अब वी मूव ऑन टू द 1671। तो एक जर्मन मैथमेटिशियन था, इस नेम वाज विलहम लेबनेस। लेबनेस जो है इसको कहा जाता है कि इसकी मैथमेटिक्स में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। कैलकुलस जो हम यूज़ करते हैं वो भी इसी ने इन्वेंट किया था। तो इसको इसको भी क्रेडिट दिया जाता है कि ही आल्सो इन्वेंटेड द कैलकुलस। तो इसने भी जो एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था और इसका नाम इसने रखा था स्टेप रैकनर। स्टेप रैकनर का मतलब ये था कि रैकन कहते हैं, अगर सिर्फ आप इतना वर्ड लें, रैकन मीन टू थिंक। तो इसका मतलब ये था कि इट वाज अ मशीन व्हिच मूव व्हिच वाज व्हिच वर्क इन इन स्टेप्स, और वो हर स्टेप पे कोई ना कोई नई कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते थे। तो इसकी मशीन की खास बात ये कि इस मशीन वॉज एबल टू डू ऑल बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन वेरी एक्यूरेटली। तो ये उसके एग्जाम्पल है, ये उसका एक डायग्राम है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि देर बाद जो मैकेनिकल मशीन थी तो उसमें ज़्यादातर जो है वो गेयर्स और डिफरेंट पुल डिफरेंट टाइप के गेयर्स थे। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो आप इसको मूव कर सकते हैं। ये एक हैंडल यहाँ पे भी पड़ा हुआ है और यहाँ पे भी ये भी एक हैंडल इसके साथ जो है गेयर के साथ लगा हुआ है। तो एक्चुअली जो भी कैलकुलेशन आपने करनी है, यू हैव टू मूव दिस गेयर्स एंड इट कैन परफॉर्म डिफरेंट कैलकुलेशंस। अच्छा, ये एक बड़ा एक नोटेबल चीज़ है, पंच कार्ड्स। पंच कार्ड बेसिकली जो हैं वो क्या थे कि एक 1801 में एक फ्रेंच मैन था, इसने जोसेफ मेरे जैकार्ड इन्वेंटेड अ पावर लूम दैट कुड रीडिजाइन पैटर्न्स फ्रॉम पंच कार्ड। तो पंच कार्ड बेसिकली क्या होते हैं कि ये एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा थिक पेपर होता है और इसके अंदर सुराख होते हैं। तो एक्चुअली इसका जो पर्पज़ ये था कि जो पावर लूम्स हैं जो कि विद द हेल्प ऑफ यू कैन ऑपरेट दैट दीज मशीन्स विद द हेल्प ऑफ स्टीम पावर और थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। आजकल तो ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, लेकिन एट दैट टाइम इट वॉज रन बाय स्टीम पावर। तो उसमें ये था कि जो डिज़ाइन होते हैं, जो कपड़ों पर डिज़ाइन होते हैं, तो उनको उनको उनके लिए जो है ये कार्ड्स जो है वो यूज़ होते थे। और ये सिंपल एक आप ये कह सकते हैं कि जस्ट लाइक दिस वन, कि ये एक पेपर है और इसमें जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं दे आर होल्स। तो इनिशियली इसका पर्पज़ था टू दैट वर मेंट टू बी यूज इन पावर लूम्स। डिज़ाइन पैटर्न जो हैं वो उसमें जो कपड़े पर डिज़ाइन बनते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता था। बट लेटर इट वॉज़ यूज टू इनपुट डाटा इन टू कंप्यूटर्स। तो जो अर्ली कंप्यूटर्स थे, इवन जो डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी थे, तो उनमें भी जो है ये पंच कार्ड जो है वो डाटा इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए जो है इनको यूज़ किया जाता था। ओके ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे, चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज का जो है थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊं। तो चार्ल्स बाबेज को कहते हैं ही वाज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। लेकिन ये था कि इसने जो कंप्यूटर्स आज हम देख रहे हैं, इस तरह का कोई कंप्यूटर ही बनाया था, लेकिन इसने कॉन्सेप्ट जो पेश किया था, तो अभी हम ये इसको जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बाबेज डिफरेंस इंजन। इन 1823 ब्रिटिश साइंटिस्ट चार्ल्स बाबेज इन्वेंटेड इस डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बाबेज इज सेड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। टूडेज कंप्यूटर्स आर बेस्ड अपॉन द डिज़ाइन ऑफ डिफरेंस इंजन। लेटर ही फर्दर इम्प्रूव्ड इट एंड मेड अनदर मशीन ही कॉल्ड इट एनालिटिकल इंजन। थोड़ी सी इसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो ये है कि चार्ल्स बाबेज को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि उसने एक ऐसी एक मशीन बनाए जो कि जो सी रूट्स हैं उनको उनको जो है वो कैलकुलेट कर सके। तो ये काम मैन्युअली होता था, लोग उसको मैन्युअली करते थे। तो लेकिन जो गवर्नमेंट की ख्वाहिश ये थी कि जो सी रूट्स हैं इनको जो है वो इनको ऑटोमेटिकली जो है वो कैलकुलेट किया जा सके, तो उसके लिए इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो इसने जो पहली इसकी जो एफर्ट थी वो ये थी कि इसने एक डिफरेंस इंजन बनाया था। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये हुई कि ये जो डिफरेंस इंजन है, चूंकि मैकेनिकल मशीन थे, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो ठीक था। अभी हम अभी चल के आगे इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन मसला इसके साथ ये था कि ये मशीन जो थी ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी और इसकी इसमें काफ़ी टाइम लग गया इसके डेवलपमेंट में, और प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा सा ओवर रन हो गया। तो गवर्नमेंट ने इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया, लेकिन इसने जो है उसको जो है वो
उस अपनी प्रोजेक्ट को ख़त्म नहीं, अपनी एफर्ट को ख़त्म नहीं किया, और उसने इसको मज़ीद इम्प्रूव किया और उसने एक और मशीन बनाई जिसका उसने नाम रखा एनालिटिकल इंजन। तो जो ख़ास बात ये थी, जो चार्ल्स बैबेज के डिज़ाइन की ख़ास बात ये थी कि जो आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं ये इसी डिज़ाइन पर बने हुए हैं जो कि चार्ल्स बैबेज ने प्रपोज किया था। लेकिन चार्ल्स बैबेज क्यों फेल हुआ, उसकी रीज़न ये थी कि उसका डिज़ाइन तो ठीक था लेकिन जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी उसको इंप्लीमेंट करने के लिए उस वक्त वह टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इस वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो इसके जो है ये जो एनालिटिक इंजन था इसके चार हिस्से थे, अ पंच कार्ड रीडर टू इनपुट डाटा थ्रू पंच कार्ड्स, और जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि पंच कार्ड जो है वो यूज़ होते थे कंप्यूटर्स में और ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स में भी यूज़ होते रहे। ओके, अ मेमोरी यूनिट फॉर स्टोरेज, अ मेल फॉर प्रोसेसिंग, अ प्रोग्राम कंट्रोलर टू कंट्रोल द प्रोसेस। तो ये चार कंपोनेंट्स में अगर हम आपने देखा हो कि जो हमने इंट्रोडक्टरी मारा था तो उसमें भी हमने एक आर्किटेक्चर डिस्कस किया था, तो हमने कहा था कि उसमें चार चीज़ें होती हैं, ये इनपुट है, दिस वन इज़ इनपुट, फॉर इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग उसका सीपीयू, और इसके अलावा जो है यहाँ पे उसमें प्रोग्राम कंट्रोलर था टू कंट्रोल द प्रोसेस। तो इसमें ये सारी चीज़ें मौजूद थी। तो आज भी जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उसमें एग्जैक्टली यही डिज़ाइन है, उसमें बहुत कम जो डिफरेंस है, यहाँ पे उसने इसको मिल कहा लेकिन हम इसको आजकल जो है हम इसको कह देते हैं सीपीयू, के जहाँ पे सारी कैलकुलेशन परफॉर्म होती हैं उस वहाँ पे पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल किया जाता है। तो बाकी सब चीज़ें जो इसमें तकरीबन वही हैं जो कि आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर्स में। एनालिटिकल इंजन कोड पी रन ऑन इंस्ट्रक्शंस, तो ये एक और चीज़ थी कि इससे पहले जो है ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि कंप्यूटर को कोई मशीन को प्रोग्राम किया जा सकता है या उसको ऑटोमेट किया जा सकता है। तो ये चार्ल्स बैबेज ने कॉन्सेप्ट पेश किया था कि हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना सकते हैं, और इवन इसने अपने एनालिटिकल इंजन के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई भी थी और प्रोग्राम्स भी लिखे थे। तो उसमें जो है वो इसने जो है वो ये था कि उसके लिए इवन प्रोग्राम्स भी लिखे गए थे, और ये एडा बायरन एक ये एक खातून थी बेसिकली, तो इसको कहा जाता है शी वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामर, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एडा वो भी इसके नाम पे ही बनाई गई, इसको ऑनर करने के लिए जो है वो एक लैंग्वेज भी बनाई गई है। तो इसने इसने जो है वो कुछ प्रोग्राम्स लिखे थे जो चार्ल्स बैबेज का एनालिटिकल इंजन था उसके लिए इसने कुछ शुरू के प्रोग्राम्स भी लिखे थे। तो ये एक यूनिक चीज़ थी जो चार्ल्स बैबेज ने इंट्रोड्यूस करवाई थी कि हम इस मशीन को प्रोग्राम भी कर सकते हैं, कि हमने एक दो प्रोग्राम लिख देना है और उसके बाद उस मशीन ने ऑटोमेटिकली काम करते रहना है। तो ये चीज़ इसने इससे पहले जो भी मशीन थे उसमें इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। अच्छा, तो ये एक डिफरेंस इंजन है, ये बेसिकली बाद में उसको रिक्रिएट किया गया और ये उस एक इमेज है एनालिटिकल इंजन का। तो आप ये देख सकते हैं कि बेसिकली ये सब मशीन्स हैं, इसमें उसी तरह से गेयर्स और इस तरह की डिफरेंट पुलीज जो हैं वो लगी हुई हैं। तो ये बाद में बनाया गया था, ये ओरिजिनल जो है वो नहीं है, लेकिन एज अ प्रोजेक्ट उसको चार्ल्स बैबेज को ऑनर करने के लिए ये बाद में ये जो मशीन्स हैं दोबारा बनाई गई थी। और जो लोगों ने इसको जब चला के देखा तो उसमें उन्होंने कहा कि इसमें जो उसने चीज़ें जो उसने कहा था कि जो काम नहीं कर सकते कैन परफॉर्म दैट दैट आल्सो। तो ये हम देखते हैं कि इनके डिसएडवांटेजेस क्या थे। तो पहला उसमें बात ये थी कि मैकेनिकल कंप्यूटर्स आर नॉट रिलायबल, उसकी वजह ये थी कि इसमें मैकेनिकल कंपोनेंट्स यूज़ होते थे जो बेसिकली मूव करते थे। अभी जैसे आपने जो पीछे मशीन देखी उनकी तस्वीरें देखी तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, तो मूविंग पार्ट्स का मसला ये होता है कि उनमें वेयर एंड टेयर काफ़ी ज़्यादा होती है, दे कैन ब्रेक वेरी इजीली जब वो मूव कर रहे हैं और ख़ास तौर पर उनको कंटिन्यूसली आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि उसमें वेयर एंड टेयर की वजह से ब्रेकिंग हो सकती है। तो ये इसमें बड़ा इसमें एक इशू था कि दे कैन ब्रेक एनी टाइम। ओके, दे वर वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा उसके अंदर कंपोनेंट थे, बारीक से चीज़ें थी, और वो उसकी वजह से क्या था कि इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड दैम ड्यू टू मैकेनिकल कंपोनेंट्स एंड दे वर वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट, और इसी तरह से उनका ऑपरेशन भी बहुत मुश्किल था। तो जो छोटी मशीन्स थी दे कैन बी ऑपरेटेड विद हैंड्स, लेकिन जो बड़ी मशीन्स थी उनको ऑपरेट करने के लिए स्टीम पावर यूज़ की जाती थी। तो स्टीम पावर का मसला ये था कि इट वॉज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट।
तो ये इसका एक इशू था। देयर कॉस्ट वॉज वेरी हाई, ये एक बड़ा मसला था कि चूँकि वो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स थी, तो इस वजह से इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई थी। देर आर नो स्टीम पावर, अगर वो बाज़ मशीन रहती थी कि जो स्टीम पावर पर रन करती थी, तो उसकी वजह से क्या था कि दे स्टीम पावर को स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए मोस्टली कोयला यूज़ होता था। तो कोयले की वजह से ये था कि वो जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा गंदा असर रहता था। तो इस वजह से जो है ये इतनी इसके वर्किंग कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, एंड देयर कैलकुलेटिंग पावर इज़ वेरी लिमिटेड। मोस्टली जो ये मशीन से दे कैन ओनली परफॉर्म बेसिक कैलकुलेशन, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकती, तो ये इनका एक इशू था। एंड इनकी मेमोरी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, दे वर ह्यूज इन साइज एंड देयर मेंटेनेंस कॉस्ट वॉज वेरी हाई। तो ये इनके इनके जो है वो थे इनके अंदर थे। तो उसके बाद जो है वो हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक एरा ऑफ कंप्यूटर्स की तरफ। तो इसमें क्या था कि जो मैकेनिकल एरा था, इसमें जैसे कि अभी अभी ये डिस्कस किया कि इसमें जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इनमें जो कंप्यूटर्स थे उनका उनका मसला ये था कि वो मैकेनिकल कंपोनेंट से बनते थे, तो उनमें जो है वो इतना दे वर नॉट रिलायबल, और उनमें जो है वो वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा थी, ब्रेक दे कैन ब्रेक वेरी इजीली। तो इस वजह से जो है वो ये था कि जो कोशिश थी साइंटिस्ट की, तो ये था कि हम ऐसे कंप्यूटर्स बनाए दें या ऐसे कंप्यूटर्स बनाएं और उनमें ऐसे कंपोनेंट्स यूज़ करें जो ज़्यादा रिलायबल हों। तो दैट लेड टू एक्चुअली द इलेक्ट्रॉनिक एरा, जिसमें के कंप्यूटर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स से बिल्ड किए गए थे, एंड दे कैन बी ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इसकी जो है वो एक नई बात है। एंड दिस एरा एक्चुअली बिगन विद द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, एंड व्हेन मेनी साइंटिस्ट स्टार्टेड टू बिल्ड कैलकुलेटिंग डिवाइस फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वर मोर रिलायबल एंड ड्यूरेबल देन मैकेनिकल कंपोनेंट्स। तो ये इसके का बहुत अच्छा एक फीचर था। अभी हम कुछ देखेंगे जब इस पूरी जनरेशन को हम डिस्कस करेंगे, तो हम उसमें देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट्स होती नहीं। इनिशियली जो कंपोनेंट्स थे वो इलेक्ट्रॉनिक तो थे लेकिन इतने रिलायबल नहीं थे, बट लेटर ऐसे कंपोनेंट्स हैं वो बिल्ड हुए जो कि ज़्यादा रिलायबल थे, जो कि जो कंप्यूटर्स जो यूज़ हो रहे थे उनसे ज़्यादा रिलायबल थे। ओके, इट वाज रिलेटिवली इजी टू बिल्ड कंप्यूटर्स आउट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, एंड साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू मैकेनिकल। तो ये एक और इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो हमने डिसएडवांटेज पढ़े मैकेनिकल कंप्यूटर्स के, उसमें एक बात ये थी कि उनका साइज़ बहुत बड़ा था, लेकिन ये था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स थे इनका साइज़ जो है वो बड़ा होता बड़ा इनिशियली था, देन बट इट करंटली इज आल्सो रिड्यूसिंग ट्रेंड के वो कम से कम छोटे से छोटा होता जा रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करते हैं, एक्चुअली इस जनरेशन का जो आगाज़ वो ऐसे हुआ था कि इसमें प्योरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं थी, बल्कि अब कह लें कि इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइसेस थे। मतलब ये था कि वो मैकेनिकल कंप्यूटर्स थे एक्चुअली, बट दे वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो उसका सिर्फ एक फ़ायदा जो है वो ये था कि जो स्टीम पावर से जो कंप्यूटर चलते थे, तो वो काफ़ी उनका जो उनकी जो वर्किंग है वो इतनी रिलायबल नहीं थी। तो इस वजह से जो है वो ये था कि कंप्यूटर्स जो हैं वो ऐसे बनाए गए कि जो कि जिनके कंपोनेंट्स तो मैकेनिकल थे बट दे रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें जो पहली एक एफर्ट थी वो थी कि IBM Mark I बनाया गया था इन 1938-39। प्रोफेसर हार्वर्ड एकन, डायरेक्टर ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA एंड एन अमेरिकन कंपनी IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये IBM जो है वो अभी भी ये मशीन जो कंपनी है इस वन ऑफ द लार्जेस्ट कंप्यूटर कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो इनके इन्होंने जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एक एग्रीमेंट कि एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन जो है वो बनानी है। IBM अरेंज द मनी एंड लैब फॉर रिसर्च एंड द ड्रीम केम टू 1944। दे नेम्ड इट ASCC ऑटोमेटिक्स सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। लेटर इट वॉज नोन एज IBM Mark I। इट वॉज एन इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन। पंच कार्ड वॉज यूज टू इनपुट डाटा। ये पहले भी मैंने डिस्कस किया था आपसे कि इसमें जो है वो मोस्ट जो अर्ली कंप्यूटर्स थे इनमें ये कॉमन ट्रेंड था कि उसमें पंच कार्ड्स को यूज़ किया जाता था डाटा इनपुट के लिए।
एंड पंच कारपेंटर्स और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स वर यूज फॉर आउटपुट। तो उसमें ये था कि प्रिंटर्स जो आजकल के प्रिंटर्स हैं तो इसके इनके अब कहने के एंसेस्टर्स थे बेसिकली, तो वो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स थे, उनको एज आउटपुट डिवाइस जो है वो उनको यूज़ किया जाता था। तो पंच कार्ड भी ऐसे होता था कि एक पंच कार्ड आप उसको कह सकते हैं कि एक टाइपराइटर होता था, तो सिंपली आप ये करते थे कि उसमें जो भी इनपुट है आप उसमें टाइप करें और वो आपको एक कार्ड रिटर्न करेगा जिसमें कि होल्स होंगे, उसको आप इनपुट के लिए कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। सीसी वॉज एबल टू परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, इट वॉज एबल टू वर्क ऑन इंस्ट्रक्शंस एंड वर्क इंडिपेंडेंटली। बट इसमें मैं एक जो इसका मेजर एक इशू था वो ये था कि इट वॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इट्स पर नॉट प्योरली इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हों, तो वो इसके अंदर जो है वो नहीं थे। तो ये उसकी एक इसकी एक पिक्चर है, ये आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द कंप्यूटर। ये ऊपर आप यहाँ पे देखें ज़रा टॉप पे, तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कंडीशनिंग के लिए वेंट्स हैं, बिकॉज़ ये कंप्यूटर जो थे ये जब चलते थे तो इसमें हीट काफ़ी प्रोड्यूस होती थी। ये इसके पैनल्स हैं बेसिकली, यहाँ पे डिफरेंट जो है वो जो कंपोनेंट्स हैं वो लगे हुए हैं जो कि कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। तो यहाँ से जो है वो आगाज़ हुआ था जिसको हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स का, कि डिजिटल कंप्यूटर्स ऐसे हैं कि जिसमें एनी एवरी थिंग इज रिप्रजेंटेड बाई जीरोज एंड वंस। तो मोस्टली ये जो जो डिवाइसेस यूज होती थी इनमें भी क्वालिटी होती थी कि दे कैन परफॉर्म, दे हैव टू स्टेट्स, जीरो और वन। इस पर भी आगे चल के और हम बात ईनियक की तरफ आते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमने लास्ट स्लाइड में जो IBM मार्क वन का पढ़ा, तो इसमें ये था कि इसमें इलेक्ट्रो मैकेनिकल कॉम्पोनेंट्स यूज होते थे, तो उनके साथ भी वही इशू था जो कि मैकेनिकल कॉम्पोनेंट्स के साथ था कि दे कैन ब्रेक डाउन वेरी इजीली। तो 1945 में सर एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने वैक्यूम ट्यूब्स डेवलप की थी। तो ये वैक्यूम ट्यूब बेसिकली क्या चीज़ है कि इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच। इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्या होता है कि इसमें सिर्फ दो स्टेट्स होती हैं, दे ज़ीरो और वन। तो अब क्या होता है कि ज़ीरो मीन आप इसे कह सकते हैं कि इट्स ऑफ, और वन को कह सकते हैं दैट इज ऑन। तो अगर वो ऑन है तो उसमें से करंट गुजरेगा, अगर वो ऑफ है तो उसमें से करंट नहीं गुजरेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर जो है ये जो है ये जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं ये बनाई गई थी, और इनका इनमें इसमें ये था कि इसका पर्पज़ ऐसे था कि स्विच की ऑटोमेटिक स्विच की तरह काम करें, उनमें स्विचिंग जो है वो ऑटोमेटिक हो, बजाय कि आप मैन्युअली आपको स्विचिंग जो है वो करनी पड़े। वैक्यूम ट्यूब्स आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड वर मेड ऑफ ग्लास। टू अमेरिकन साइंटिस्ट जे प्रॉस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉशले स्टार्टेड देयर सर्च एट मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। तो देयर एम वॉज टू बिल्ड एन ऑल इलेक्ट्रॉनिक मशीन विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। तो इनकी इनका जो जो मकसद था वो ये था कि इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं उनको यूज़ ना करें, प्योरली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ करें, एंड दैट वाज वैक्यूम ट्यूब। दे वाज सक्सेसफुल इन 1946 इनियक, एंड उन्होंने अपनी मशीन का नाम रखा इनियक, इलेक्ट्रॉनिक नमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये था, एंड इट इट वाज इसका हिस्ट्री में इस मशीन की बहुत सिग्निफिकेंस है, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट मशीन विच वाज बिल्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। तो वो जो बाइनरी या डिजिटल कंप्यूटर्स का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली यहीं से जो है वो स्टार्ट हुआ था। सो यू कैन से दैट दिस वाज द फर्स्ट बाइनरी, फुली बाइनरी कंप्यूटर की, जिसमें सिर्फ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस जो है वो यूज़ हुए थे बाइनरी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इनियक कंटेन अबाउट 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, ईच वैक्यूम ट्यूब कैन होल्ड वन बिट एंड सिक्स बिट्स वर यूज रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट वन करेक्टर। तो आजकल जो ये है कि जो 8 बिट्स हैं, आजकल हम इसमें 8 बिट्स यूज़ करते हैं मिनिमम जो है वो एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन ये थोड़े अर्ली कंप्यूटर्स थे तो इसमें 6 बिट्स यूज होती थी टू रिप्रेजेंट वन करेक्टर। तो एक जो वैक्यूम ट्यूब है इट कैन होल्ड ओनली 1 बिट।
ENIAC was about 5,000 times faster than IBM Mark I. तो IBM Mark I का आपको मैंने बताया कि वो कंप्यूटर था, बट इट वॉज इसमें मैकेनिकल कंप्यूटर्स यूज हुए थे. इट वॉज इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर, नॉट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. तो लेकिन ये जो ENIAC था, ये उससे IBM Mark I से काफ़ी तेज था. तो ये एक पिक्चर है, काफ़ी मैसी सी लग रही है ये. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट ये वायर्स आपको नज़र आ रही है, दीज आर पैनल्स, डिफरेंट पैनल्स. तो इसकी जो वायरिंग है या इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो मैन्युअली होती थी. तो और उसके अलावा ये था कि इसमें जो भी आपने काम करना है, वट एवर जो भी आपने करना है, तो वो एवरी थिंग वॉज रिप्रजेंटेड इन जीरोज एंड वन. लेट्स सपोज के नंबर्स हैं, तो नंबर्स भी हम जीरोज और वन में रिप्रजेंट करते थे. अगर कोई करेक्टर हैं तो करेक्टर्स भी जीरोज एंड वन में ही रिप्रजेंट किए जाते थे. तो इसमें इस तरह के इसमें नहीं था कि आप टाइप कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, तो इस तरह से इसमें पॉसिबल नहीं था. इसके अलावा अगर आपने इसमें कोई भी टास्क परफॉर्म करनी है, तो यू हैव टू परफॉर्म इट, यू हैव टू प्रोग्राम इट मैनुअली. ये सारी वायरिंग जो है, ये जो जितनी भी ये वायरिंग आपको नज़र आ रही है, ये सारी वायरिंग जो है ये मैनुअली करके फिर आप इसमें करते हो. जब आप प्रॉब्लम चेंज करते हैं, अगेन यू हैव टू रीप्रोग्राम इट, और उसमें फिर आप सारी प्रोग्रामिंग इसकी दोबारा से जो है वो चेंज करते हैं. तो ये ऊपर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, दीज आर एक्चुअली एट कंडीशनिंग डक्ट्स. तो इसमें क्या था कि जब ये चलती थी वैक्यूम ट्यूब, तो ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती थी. तो उस हीट को करने के लिए, बिकॉज कि अगर वो ज़्यादा हीट हो जाए तो वो ये वैक्यूम ट्यूब्स ये ख़राब होना शुरू हो जाती थी. तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती थी. तो उसके लिए जो है फिर ये था कि ये जो एयर कंडीशनिंग डक्ट्स हैं ये इस्तेमाल होती थी. और इसमें इसमें ये था कि कहा यह जाता है कि जब ये कंप्यूटर जिस सिटी में ये इंस्टॉल था, वो छोटा सा एक सिटी था, और जब ये मशीन ये इसको चलाया जाता था, तो पूरे शहर की बिजली जो है वो बंद हो जाती थी. तो फिर इसको जो है वो ये मशीन जो है ये फिर चलती थी. और इसमें सिर्फ देर वॉज ओनली 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स. तो ये था कि इसकी जो पावर कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा थी. डिसएडवांटेज क्या थे इसको हम डिस्कस करते हैं. साइज ऑफ मशीन वेरी लार्ज एंड इट्स मेमोरी वॉज वेरी स्मॉल. इट कंज्यूम वेरी हाई पावर. ड्यूरिंग वर्किंग प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट ड्यू टू वैक्यूम ट्यूब्स. दिस हीट हैड टू बी टेकन आउट, अदरवाइज इट कुड डैमेज वैक्यूम ट्यूब्स. फॉर दैट पर्पज हैवी ड्यूटी एयर कंडीशनिंग सिस्टम वर रिक्वायर्ड एंड देट ऑल्सो कंज्यूम लॉट ऑफ एनर्जी. फर्दर वैक्यूम ट्यूब वर्किंग लाइफ वॉज वेरी शॉर्ट एंड देर क्वाइट फ्रिक्वेंट रिप्लेसमेंट. तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको इसके बारे में ये बताया था कि इसके डिसएडवांटेजेस थे. वैक्यूम ट्यूब का वेरी गुड ऑप्शन, मैकेनिकल जो कॉम्पोनेंट्स है उससे बेटर ऑप्शन था, लेकिन इसके भी डिसएडवांटेजेस थे. मेन इसमें क्या था कि एक तो इसकी वैक्यूम ट्यूब की जो इसकी जो सर्विंग जो लाइफ थी वो बहुत कम थी, और इसके अलावा क्या था कि बहुत ईजीली ख़राब हो जाती थी, और ये पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती थी. तो इस वजह से जो है वो ये कंप्यूटर्स ठीक तो थे, लेकिन अब ये था कि अगर आप इससे ज़्यादा पावरफुल जो एक जो बाइनरी जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, इनका एक प्रिंसिपल है कि इनकी जो कंप्यूटेशन पावर होती है वो प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ स्विचेस के. इन दैट केस दिस इन दिस केस वैक्यूम ट्यूब्स. अब आपने ये करना है कि अगर ये जो कंप्यूटर है इसकी पावर को डबल करना है, तो यू हैव टू डबल द नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स. तो अगर आप 18,000 से 16,000 कर देते हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसकी जो पावर कंजप्शन है वो भी डबल हो जाएगी. सो दैट वाज नॉट अफोर्डेबल एट दैट टाइम कि इतनी ज़्यादा पावर जो है वो कहाँ से लें. तो इसका हल भी ये था कि कोई ऐसे कंपोनेंट्स आप यूज़ करें कि जिनकी पावर कंजप्शन बहुत कम हो और जिनका साइज भी कम हो, ताकि वो कम से कम स्पेस में जो है उनको रखा जा सके. तो इसका जो हल था वो ये था कि एक कंप्यूटर डेवलप किया गया था लेटर, दैट वॉज IBM, उसका नाम था IBM 7090. इन 1948 ट्रांजिस्टर वर इन्वेंटेड एट बेल लैब्स. ट्रांजिस्टर सिमिलर डिवाइस एज दैट ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, दे वर्क इन द सेम वे एज द वैक्यूम ट्यूब्स टू. तो ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या है, देर आर ऑल्सो स्विचेस, ये भी स्विचेज हैं. और ये इसमें इसमें और वैक्यूम ट्यूब में डिफरेंस क्या है कि ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं दे आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, सिलिकॉन से मिलके बनते हैं. तो बेसिकली क्या था कि ये इनके वर्किंग बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स की तरह पे,
लेकिन इनका जो है वो ये जो है ये लेकिन सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनते हैं, तो इसलिए इनका साइज़ भी छोटा है और इनकी जो पावर कंजप्शन है वो वैक्यूम ट्यूब की नस्बत बहुत कम है। ठीक है, तो ये देवर बेटर देन वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम बिकॉज दे कंज्यूम लेस पावर एंड जनरेट लेस हीट देन वैक्यूम ट्यूब्स। दे साइज इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दी वैक्यूम ट्यूब्स एंड देयर वर्किंग लाइफ इज़ लॉन्गर देन वैक्यूम ट्यूब्स। मशीन्स मेड ऑफ ट्रांजिस्टर आर स्मॉलर इन साइज, लेसर इन कॉस्ट एंड मोर एनर्जी एफिशेंट। तो ये मसला ये था कि जो इनियक इट वॉज वेरी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, और कहा ही जाता है कि अमेरिका ने एट दैट टाइम 1945 46 की बात है कि जब ये मशीन बनी थी इनियक, तो कहा ये जाता है कि अमेरिका ने जो अपना पहला एटॉमिक बम बनाया था उसके जो कोर टेस्ट थे उस मशीन पे किए थे। अच्छा, अब उसमें क्या था कि लेकिन उसको मज़ीद पावरफुल नहीं बनाया जा सकता था बिकॉज ऑफ साइज़ लिमिटेशन, कि उसकी साइज़ बहुत बढ़ जाता उसका उसकी पावर कंजप्शन बहुत बढ़ जाती। तो दे साइंटिस्ट एट दैट टाइम लुकिंग फॉर मोर इम्पोर्टेंट और मोर एफिशेंट कॉम्पोनेंट जो कि वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर सके, और वो था ट्रांजिस्टर। एंड इट वॉज बेटर देन वैक्यूम ट्यूब्स क्योंकि इसका साइज़ भी कम था, इसकी पावर कंजप्शन भी बहुत कम थी। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन बिल्ड कंप्यूटर्स और आप इसमें नंबर ऑफ स्विचेस इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो पावर कंजप्शन है वो स्टिल जो है वो बहुत कम होगी। ट्रांजिस्टर ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। IBM 7090 वाज फर्स्ट कंप्यूटर इंटायरली मेड ऑफ ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। तो IBM मोस्टली अपनी मशीन्स को जो है वो अपने मॉडल्स को नंबर से रिप्रेजेंट करती थी, हर मॉडल का एक नंबर जो है उनको साइन कर दिया जाता था। तो इसी तरह से ये जो 7090 ये कंप्यूटर था, इट वाज एक्चुअली द फर्स्ट कंप्यूटर इन हिस्ट्री दैट वाज इंटायरली मेड ऑफ ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। एंड IBM 7090 वाज स्मॉलर इन साइज देन इट्स प्रेडिसेसर्स, इट कैन रन कंटिन्यूसली फॉर मैनी आवर्स। अच्छा, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो ईनियक जैसी जो मशीन्स थी जो कि बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करती थी, तो उसको कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग किया जा सकता था बिकॉज उसमें ये होता था कि अगर उनको किया जाएगा कंटिन्यूसली ऑपरेट किया जाएगा तो इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी कि उसके लिए बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और जितना ज़्यादा उनको ऑपरेट करेंगे उतने ज़्यादा उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो डैमेज होंगे। तो लेकिन ये जो ट्रांजिस्टर से जो कंप्यूटर्स बने थे दे कैन बी ऑपरेटेड फॉर मैनी। तो ये आप देख सकते हैं, यू यू कैन जस्ट कंपेयर इट विद द प्रीवियस, जैसे अभी मैंने आपको ईनियाक का दिखाया था तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको वायरस नजर आ रही, केबलिंग नज़र आ रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें देखेंगे इस वेरी नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट। ये बेसिकली सारा जो है ये जो आप देख रहे हैं ये डिफरेंट जो है ये इसके ये जो रैक्स हैं एक्चुअली दिस आर दिस इज़ द कंप्यूटर, और ये जो पीछे आपको नज़र आ रहे हैं दिस आर टेप ड्राइव्स, इनको हम कहते थे ये टेप ड्राइव्स हैं। अगर आप में से किसी ने जो है वो वीडियो या ऑडियो कैसेट्स देखी हैं तो ये एक्चुअली उसी तरह का ये मशीन होती थी, और इसमें स्पूल्स होते थे मैग्नेटिक टेप के, और बेसिकली इनका पर्पज़ था देवर यूज एज स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये जो मॉडर्न हार्ड डिस्क हैं ये इनके इनके आप कह सकते हैं कि इनकी अर्ली फॉर्म थे। तो हार्ड डिस्क उस वक्त नहीं थी, तो इसलिए जो टेप ड्राइव्स हैं देवर यूज एज स्टोरेज डिवाइस। तो इसमें आप देखेंगे इसका जो इन्वायरमेंट है इसका साइज़ जो है रिलेटिवली बहुत कम है, और इसमें आपको बहुत मेसीनेस जो है वो नज़र नहीं आ रही कि केबल्स नज़र आ रही हों या इस तरह की, बड़ा नीट एंड क्लीन जो है वो इसका इन्वायरमेंट है। ओके अच्छा, इसमें फर्दर अब इम्प्रूवमेंट क्या हुई, जो इसमें ये जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक एरा में के जे एस किल्बी ने ही वाज वर्किंग इन टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी एक बड़ी प्रोमिनेंट एक अमेरिकन एक कंपनी है जो कि कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में इसके बहुत कंट्रीब्यूशन हैं। एंड जे एस किल्बी इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन 1950। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या थे, बेसिकली ये था कि इसका कॉन्सेप्ट ये था कि हम क्या करते हैं कि टिपिकली ये था कि एक चिप कह लेंगे, इट वाज इज सिंपली सिलिकॉन पीस, तो उसके ऊपर हम एक ट्रांजिस्टर हम बिल्ड करते थे। तो जे एस किल्बी ने ये किया था कि उसने एक ही चिप पे मल्टीपल ट्रांजिस्टर जो हैं वो उसने बिल्ड किए थे, तो उसको उसने कह दिया था इंटीग्रेटेड सर्किट, या उनको ICs कहते हैं। एंड IC कंटेन्स मैनी ट्रांजिस्टर्स एंड अदर कंपोनेंट्स ऑन अ सिंगल चिप,
ऐसे फर्दर रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जो कंप्यूटर का साइज़ था वो और ज़्यादा रिड्यूस हो गया, एंड इट वॉज पॉसिबल टू बिल्ड कंप्यूटर्स ऑफ कंसिडरेबली स्मॉल साइजेस। ऐसे आर फर्दर इम्प्रूव टू होस्ट मोर ट्रांजिस्टर पर चिप, और उसको जो है वो हम कहते हैं इंटीग्रेशन स्केल कहते हैं। तो शुरू में जो था वो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थी, इसका मतलब था कि आप कोई हंड्रेड्स में जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो बिल्ड कर सकते हैं, हंड्रेड्स में, 100, 200, 300। फिर आया वेरी लार्ज स्केल, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि थाउजेंड्स में कर सकते हैं सपोज। तो उसके बाद VLSI के बाद जो है वो XLSI आई, इसमें अब क्या था कि आप इसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो है वो जो IC जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो उसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं। तो ये जो आजकल के कंप्यूटर्स हैं ये इवन IBM जो 7090 इससे भी बहुत छोटे साइज में हैं, बट देयर कंप्यूटेशन पावर आर वेरी हाई। और उसकी वजह ये है कि बिकॉज हम ICs को यूज़ करते हैं, और ICs में की वजह से क्या हुआ है कि जो कंप्यूटर के साइज़ हैं दे आर रिड्यूस वेरी फर्दर, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। अच्छा, अब हम इसमें ये करते हैं कि हम ऐसे इसको सारा को डिस्कस करने के लिए हम ऐसे करते हैं कि हम कंप्यूटर्स की जनरेशन को डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एरा। हर जनरेशन में इसके कुछ इसके आप कह सकते हैं कि एक नई चीज़ नई जो स्विच टेक्नोलॉजी है बेसिकली, जो उसमें क्या होगा कि हम फाइव जनरेशन देखेंगे, हर जनरेशन में ये होगा कि जो स्विचिंग टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज़ होगी, इम्प्रूव हो रही है, पहली चीज़ उसके अंदर ये होगी। दूसरी चीज़ उसके अंदर क्या होगी कि जो कंप्यूटर के साइजेस हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, उनकी प्राइस कम हो रही है, उनकी कंप्यूटेशन पावर इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन उनका साइज़ कम हो रहा है। तो ये एक इस तरह से इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है कि साइज़ तो कम हो रहा है लेकिन कंप्यूटेशन पावर भी साथ इंक्रीज़ हो रही है। उसकी रीज़न क्या है कि जो स्विचिंग टेक्नोलॉजी है इट्स इंक्रीजिंग। ओके, कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू फाइव जनरेशन बेस्ड अपॉन द टेक्नोलॉजी यूज इन ईच जनरेशन। हम उसको फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन कहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हमने जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि हर जनरेशन में सबसे पहले क्या होगा कि साइज़ का फ़र्क पड़ेगा, और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे क्या होगा कि साइज़ जो है वो स्मॉलर होते जाएंगे। तो जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं दे आर स्मॉलर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। ओके, उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो इनकी जो पावर है वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो पावर क्या हो रही है, इस इंक्रीजिंग इन्हांस हो रही है। तो अब दो चीज़ें होंगी, साइज़ होगी और पावर होगी। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं इनकी पावर सबसे कम है, और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं दे आर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स। ओके, इसके अलावा क्या है जो एक और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है इनकी प्राइस। तो प्राइस क्या हो रही है, वो रिड्यूस हो रही है। अब आप इसमें देखें कि इसमें क्या होगा कि साइज़ भी कम हो रहा है, पावर भी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है, पावर भी रिड्यूस हो रही है या प्राइस जो है वो भी रिड्यूस हो रही है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं, साइज़, पावर एंड प्राइस। तो इनमें जो है वो फ़र्क आ रहा है, और जैसे जैसे हम जनरेशन टू जनरेशन मूव कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि उसमें जो है ना इन तीनों चीज फैक्टर्स पे जो है वो फ़र्क पड़ रहा है। और ये बेसिकली फ़र्क जो है वो इस वजह से पड़ रहा है कि जो हम स्विचिंग टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ कर रहे हैं, कि हम स्विचिंग के लिए जो है वो क्या क्या जो है वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है वो फ़र्क पड़ रहा है। तो ये इसमें इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं टेक्नोलॉजी में, इस वजह से क्या हो रहा है कि साइज़ कम हो रहे हैं, पावर इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन प्राइस भी क्या हो रही है वो कि कम हो रही है इनकी। सो लेट डिस्कस, सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन को देखते हैं। ये हमने वही जो पीछे बातें की हैं कि न्यू एंड बेटर स्विचिंग टेक्नोलॉजीज यूज्ड, ईच जनरेशन साइज ऑफ कंप्यूटर्स गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, बट द पावर ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीजिंग, एंड ईच जनरेशन कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर्स इज ऑल्सो रिड्यूसिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम इसमें जो है वो हम इसमें जो है वो नोटिस करेंगे कि ये सब जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन जो है ये हो रहा है। तो फर्स्ट जनरेशन देखते हैं, दिस इज फ्रॉम 1946 टू 1956, रफली ये है पीरियड है। और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स दे वर यूज्ड एज स्विचिंग टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब्स रिप्लेस्ड इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइसेस विच वर वेरी स्लो। वैक्यूम ट्यूब्स कंज्यूम अ लॉट ऑफ पावर एंड जनरेट लॉट ऑफ हीट। और इसमें सिर्फ जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, मशीन लैंग्वेज हम उसे कहते हैं,
इस एक्चुअल लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वंस, तो वो इसमें यूज़ होती थी। और इसमें मैनुअल प्रोग्रामिंग होती थी, ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग का इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं था। मैनुअल प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि हार्ड वायर प्रोग्रामिंग बेसिकली हम उसे कहते हैं, वी कॉल इट हार्ड वायर। तो ये बेसिकली इसका जो है वो इसका कॉन्सेप्ट वो ये था कि जो सर्किट डिज़ाइन है उसी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्ड होती है। तो आपने जब भी कोई नया प्रोग्राम रन करना है तो आपको पूरे सर्किट का डिज़ाइन जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट जी कंप्यूटर 1G कंप्यूटर्स आर वेरी ह्यूज इन साइज। ईनियाक जो वो फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन जो कि, तो ये देखें, ये एक वैक्यूम ट्यूब की एक पिक्चर है, इसको आप देख सकते हैं। दिस इज़ अ सिंगल वैक्यूम ट्यूब, इस ग्लास से मिलकर बनती थी और ये साइज़ में काफ़ी बड़ी है, इट्स नॉट वेरी स्मॉल इन साइज़, लेकिन ये बहुत बड़े साइज़ में जो है ये है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि इसमें डिफरेंट थे, जैसे कि एडसेक था। इन 1949 प्रोफेसर मॉरिस विल्क्स ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी डेवलप्ड एडसेक। एडसेक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ग्लेस स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एंड दिस मशीन वॉज एबल टू परफॉर्म डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन माइक्रो सेकेंड्स। फिर एक एडवेक कंप्यूटर था। अच्छा, ये जो ट्रेंड है वो ये चल रहा है कि जैसे ईनियाक है, तो ईनियाक से ही उसी तरह के मिलते जुलते नाम, एडसेक, एडवेक। 1952 प्रोफेसर जॉन वन न्यूमैन ऑफ पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी डेवलप एडवेक। एडवेक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यहाँ पर देखें कि अब जो इस मशीन है इसके लिए एक जो है वो यूज़ होना शुरू है नाम कंप्यूटर। तो बाद में जो बाकी के जो इतने लंबे लंबे नाम थे जो रखने का ट्रेंड था, ये ख़त्म हो गया, तो सिंपली सिर्फ ये जो कंप्यूटर है यही रह गया। लोगों को सिर्फ ये याद, बजाय कि इतना लंबा नाम याद करें, उन्होंने सिंपली इसको कहना शुरू कर दिया इट्स अ कंप्यूटर बस। ओके, एडवर्क्स वाज अ रिफाइनमेंट ऑफ इनियक बेस्ड अपॉन स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर डेवलप्ड बाय प्रोफेसर न्यूमैन। तो इसके बारे में जो है प्रोफेसर जॉन वॉन न्यूमैन और ये जो स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। तो ये इसमें क्या ये था कि जो हमारे जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं ये एक्चुअली इसी जो स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर है इसी पे बेस करते हैं। स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर क्या है कि इस सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम एंड डेटा कैन बी स्टोर इन कंप्यूटर्स मेमोरी फॉर द ऑटोमेटिक फ्लो ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर्स। तो बेसिकली इससे पहले जो कंसेप्ट ये था कि कंप्यूटर्स में इंस्ट्रक्शन तो स्टोर की कर दी जाती थी, लेकिन डाटा उसको रन टाइम पे दिया जाता था। उसकी रीज़न ये होती थी कि डाटा भी जीरोज एंड वन की फॉर्म्स में होता था और इंस्ट्रक्शंस भी जीरोज एंड वन की फॉर्म्स में होती हैं। तो मकसद ये था कि इसमें ये हो कि ऐसे ना हो कि ये जो है ये मिक्स हो रहे हैं, मिक्सिंग हो रहे हैं, पता ही ना चले कि इसमें से इंस्ट्रक्शन कौन से, डाटा कौन से है। इस सिमिलर के अगर आप ऐसे करें कि एक कंटेनर लें और इसमें आप क्या करें कि 1 लीटर आप इसके अंदर जो है वो वाटर डाल दें, और फिर आप क्या करें कि 1 ही लीटर इसमें जो है वो मिल्क डाल दें, दूध डाल दें। तो जब आप मिक्स कर देंगे तो उसमें फिर क्या होगा कि आप बाद में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये पानी का, पानी कहाँ गया और मिल्क कहाँ गया। तो इसको आप ये कर सकते हैं कि हम इसको जो है इसका जो हल है वो हम ये निकाल सकते हैं। अब हमारा मकसद है वो ये क्या है कि हमने ये करना है कि इसमें 1 लीटर मिल्क और 1 लीटर हमने हमने स्टोर करना है दूध। तो आप क्या करेंगे, इसके दो कंपार्टमेंट्स बनाएं और ये जो एक्स्ट्रा वाला कंपार्टमेंट है इसमें वाटर स्टोर कर दें, इसमें मिल्क स्टोर कर दें। अब ये मिक्स नहीं होंगे, अगर आपने मिल्क लेना है तो यहाँ से नहीं, अगर आपने वाटर लेना है तो यहाँ से नहीं। तो यही आर्किटेक्ट, ये जो स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर में तकरीबन इसी तरह की चीज़ यूज़ की गई थी कि डेटा को अलहदा स्टोर किया गया था अलहदा मेमोरी लोकेशंस पे, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को अलहदा। और अगर कंप्यूटर को डाटा चाहिए तो उसने इस हिस्से से लेना है, इंस्ट्रक्शन चाहिए तो उसने इस हिस्से से लेनी है, तो दे कैन नॉट बी मिक्स टुगेदर। तो इस तरह से जो है ये आर्किटेक्ट और स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर जो है ये इस तरह से काम करता था। फर्स्ट टाइम डेटा इंस्ट्रक्शन वर रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। आर मॉडर्न कंप्यूटर एक्सेप्ट सुपर कंप्यूटर्स आर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर न्यूमैन डिज़ाइन। इसी तरह से एक था ये IBM 701, इट वॉज डेवलप बाई IBM कॉरपोरेशन। इसमें ये था कि इसमें मैग्नेटिक टर्म जो है वो स्टोरेज के लिए यूज़ हुई थी। तो मैग्नेटिक टर्म बेसिकली जो मॉडर्न हार्ड डिस्क हैं इनकी एक कह लें कि पुरानी एक फॉर्म है, इनिशियल फॉर्म है।
This device consisted of सिलेंडर कोटेड विद मैग्नेटिक मटीरियल. तो बेसिकली एक सिलेंडर होता था, उसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती थी, उसमें डाटा जो है वो स्टोर होता था. तो जो हार्ड डिस्क है उसमें डिस्क यूज होती है, बट दिस वॉज अ सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर था अंदर से खाली, लेकिन उसका जो सरफेस है उसको हम यूज़ करते हैं टू स्टोर डाटा. इट कैन एक्सेस डाटा हंड्रेड्स ऑफ टाइम फास्टर देन पंच कार्ड्स एंड बट इसकी और इसके अलावा ये जो अगला है इसमें जो है वो हम देखते हैं कि यूनिवैक था. इट वॉज एक्चुअली क्या था कि जो जो प्रोफेसर एकर्ट था और जॉन मॉस्ले था, तो लेटर इन्होंने जो है एक अपनी कंपनी बना ली और उन्होंने फिर कमर्शियल जो कंप्यूटर्स हैं वो उन्होंने बिल्ड करना शुरू कर दिए. और उन्होंने जो पहला एक कंप्यूटर बनाया तो उसका उन्होंने नाम रखा यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. और इसमें मैग्नेटिक टेप्स यूज होती थी वो डाटा स्टोरेज. यूनिवैक वॉज वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज एंड लो कॉस्ट. सम अदर कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन आर लियो, IBM 700 सीरीज वगैरह, ये सारे इसी जनरेशन से बिलोंग करते हैं. तो अब हम नेक्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, इसका रफली इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज़ फ्रॉम 1956 टू 1963. इसमें क्या था कि इसमें जो सेकेंड जनरेशन है इसमें ट्रांजिस्टर वर यूज एज स्विचेस, बट बिकॉज एट दैट टाइम ट्रांजिस्टर जो है वो डेवलप हो चुके हुए थे. वैक्यूम ट्रांजिस्टर इज सिमिलर टू वैक्यूम ट्यूब्स, बट ट्रांजिस्टर वर स्मॉलर इन साइज एंड कंज्यूम लेस पावर देन वैक्यूम ट्यूब. 2G कंप्यूटर्स वर हाईली एफिशिएंट एंड मोर रिलायबल दैन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, ईजी टू ट्रांसपोर्ट ड्यू टू नॉन फ्रजाइल कंपोनेंट्स. तो जो वैक्यूम ट्यूब थी ग्लास से मिलकर बनती थी, तो ये काफ़ी फ्रजाइल था. ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ये भी हो सकता है कि वो टूट जाए, तो वो कंपोनेंट जो है वो ज़ाया हो गया, फिर उसको रिप्लेस करना पड़ेगा. लेकिन ट्रांजिस्टर्स में इस तरह का इशू जो है वो नहीं था. एंड दे यूज़ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल सी इसमें यूज़ हो गई थी. अब हम इसको इसमें हार्डवेयर प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती, बल्कि आप इसको जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए इसको जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे सी है तो इसके ज़रिए आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं. यूज़ मैग्नेटिक टर्म्स और मैग्नेटिक टेप फॉर स्टोरेज पर्पज़. वर्ल्ड वन डेवलप्ड बाई एट MIT, IBM 7000 सीरीज, हनीवेल सीरीज, अनवैक 3 एटसेट्रा, ये इस जनरेशन के जो है वो कुछ प्रोमिनेंट जो है वो कंप्यूटर्स थे इस जनरेशन में. और ये ट्रांजिस्टर है, अगर आपने पहले इसको कभी नहीं देखा है तो ये देख लें. ये उसका एक सिंबल है सर्किट्स में, आमतौर पर उसको इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है. ये डिफरेंट टाइप के ट्रांजिस्टर्स हैं. तो ये इसमें मोस्टली इसके जो है ये 3 लेग्स होती हैं, इसकी निशानी ये होती है ट्रांजिस्टर की कि इसमें ये 3 लेग्स होती हैं. तो इसमें एक बेस होता है, एक मीटर होता है, एक कलेक्टर होता है. तो ये तीन उनको ये तीन जो लेग्स हैं इसकी इनको रिप्रेजेंट करती हैं. तो ये इसकी जो है डिफरेंट इसकी फॉर्म्स हैं. ओके, अब हम थर्ड जनरेशन की तरफ मूव करते हैं, डेट इज़ रफली फ्रॉम 1964 टू 1971. तो इसमें जैसे आपको मैंने कहा था कि हर जनरेशन में एक बेटर जो स्विचिंग टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, तो स्विचिंग कंपोनेंट तो चेंज नहीं हुआ था लेकिन टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हो गई थी. एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स. दीज आर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस विच कंटेन मल्टीपल ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल चिप. तो जो ये बेसिकली सिलिकॉन से मिलकर बनती है. सिलिकॉन इज वट आप मे बी आप केमिस्ट्री वाले तो इससे फेमिलियर होंगे कि इट्स सिलिका. सिलिका होता है जो आम रेत होती है, तो उसको रिफाइन करके उससे सिलिकॉन बनाते हैं. फिर सिलिकॉन की जो है वो उसके पीसीज लिए जाते हैं जिनको चिप्स कहते हैं, और उसके ऊपर फिर इनको जो है वो डिफरेंट तरह की डॉपिंग करके, तो इससे जो है वो हम क्या करते हैं कि ये ट्रांजिस्टर जो है वो इसमें बनाते हैं. उसमें हमारे पास एन टाइप या पी टाइप जो है वो हमारे पास मटीरियल्स होते हैं, तो जिसकी वजह से हम डिफरेंट इसके जो है वो टाइप के जो कंपोनेंट्स हैं वो इसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं. तो इनिशियली क्या था कि जो IC है इट एक्चुअली कंटेन्स हंड्रेड ऑफ ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर्स एंड अदर कंपोनेंट्स ऑन अ सिंगल चिप. तो ये मे बी आपको हो कि यार ये क्या चीज़ें हैं, तो दीज आर एक्चुअली डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. दीज आर नॉट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उन सब में ये कंपोनेंट्स हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं. 3G कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन दिस टेक्नोलॉजी. दे वर स्मॉलर इन साइज, दे वर लोअर इन कॉस्ट, स्पीड वर वेरी हाई. बिकॉज मैंने उनकी आपको बताया था शुरू में
कि जितनी आपने स्पीड इंक्रीज़ करनी है तो उसमें नंबर ऑफ स्विचेस उतने आपको इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। तो इसमें क्या था कि जो कि नंबर आप इंक्रीज़ कर सकते हैं और साइज़ भी इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता, तो इस वजह से ये जो कंप्यूटर्स थे दे वर वेरी पावरफुल, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा थी। और आप जो एक एक सिंगल ऑपरेशन है यू कैन कंप्लीट इन इवन माइक्रो और नैनो सेकेंड्स। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि फोर्ट्रॉन कोबोल वगैरह जो है वो यूज़ हुई थी। और मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स व्हिच मीन्स दैट मल्टीपल प्रोग्राम्स कैन बी रन ऑन अ कंप्यूटर एट द सेम टाइम। और एंड द कीबोर्ड्स एंड सीआरटी कैथोड ट्यूब मॉनिटर वर यूज्ड एज इनपुट एंड आउटपुट बेसिस। तो अब ये देखें कि ये तो थर्ड जनरेशन में ये जो कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स ने इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे पहले कीबोर्ड्स का और जो ये मॉनिटर्स हैं इसका कॉन्सेप्ट भी नहीं था। एंड दे वर इम्प्रूव स्टोरेज एंड यूनिट्स यूज्ड डिस्क इंस्टेड ऑफ ड्रम्स। और इसमें ये जो कंप्यूटर्स हैं IBM 360, IBM 370, तो ये इनके नोटेबल कंप्यूटर्स हैं। और इनमें से मे बी इनको हम कहते हैं मेन फ्रेम। ये हमारा अगला एक लेक्चर होगा जिसमें हम डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे हम कंप्यूटर्स के जो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे तो उसमें एक टाइप होगी विच इज़ मेन फ्रेम। तो ये सारे मेन फ्रेम के एग्जांपल हैं। अगर आप किसी से जिक्र करेंगे IBM 360 का तो आपको कहेगा अच्छा वो मेन फ्रेम की बात कर रहे हैं आप। तो ये मे बी अभी भी कहीं पे यूज़ हो रहे हैं, इट्स स्टिल पॉसिबिलिटी। ये अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि मे बी अभी भी कहीं पे ये यूज़ हो रहे होंगे। यस ओल्ड ओके। सो दिस इज़ एन इंटीग्रेटेड सर्किट। आपको ये आईसी चिप पैकेज इस तरह से लगेगा, लेकिन अगर आप उसको खोलेंगे तो उसमें इस तरह से होता है कि ये बेसिकली एक सर्किट है, असल सर्किट ये, बाकी सारे इसके कनेक्टर्स हैं जिसकी मदद से इसको ये सर्किट के अंदर जो है वो जोड़ा जाता है। और इसके ऊपर एक प्लास्टिक का लिड होता है टू सेव इट फ्रॉम डस्ट एंड वेपर्स को नमी वगैरह से बचाने के लिए। बेसिकली डस्ट से प्रोटेक्ट करना होता है बिकॉज के डस्ट जो है उसकी वजह से ये सर्किट की वर्किंग जो है वो ख़राब हो सकती है। नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ जनरेशन विच इज सेट एट इस फ्रॉम 1972 टिल प्रेजेंट। और इसमें क्या हुआ था कि जो आईसी चिप्स हैं जो थर्ड जनरेशन में यूज होती थी, देखो उनके ट्रांजिस्टर्स एंड अदर कंपोनेंट्स इन काउंट ऑफ थाउजेंड्स हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स। दिस चिप्स वर कॉल्ड SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इन्वेंशन ऑफ मॉस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेड पॉसिबल टू पुट मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑन अ सिंगल चिप नोन एज द लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मेड पॉसिबल टू कंबाइन ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड CU कंट्रोल यूनिट ऑन ए टाइनी टाइनी चिप नोन एज द माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल मेड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन 1972, उसका नाम जो उन्होंने रखा दैट वॉज इंटेल 4004। एंड इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर ब्रॉट रेवोल्यूशन इन कंप्यूटर। इट वॉज पॉसिबल टू बिल्ड मच स्मॉलर कंप्यूटर्स दैट कैन बी यूज इन होम। तो अब ये माइक्रो प्रोसेसर की जो इसका इन्वेंशन का बेनिफिट ये हुआ कि पहले ये होता था कि हम सिर्फ ट्रांजिस्टर्स, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स की बात करते थे कि जितना पावरफुल कंप्यूटर है उसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर उतने ज़्यादा होंगे। अब हम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर की बात नहीं करते, हम नंबर ऑफ CPUs की या हम नंबर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स की बात करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि नॉर्मली जो हमारे हम जो लैपटॉप्स या डेस्कटॉप यूज़ करते हैं तो उसमें एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो अगर आपने इसकी पावर को इंक्रीज़ करना है तो आप क्या करेंगे कि जो माइक्रो प्रोसेसर नंबर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है वो इंक्रीज़ करेंगे, तो उससे जो कंप्यूटेशन पावर है कंप्यूटर की वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके सो दिस वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। इसको इसका नाम इन्होंने रखा था इंटेल 4004। तो इंटेल भी ऐसे करते हैं कि मोस्टली अपने प्रोसेसर के नेम्स हैं वो नंबर्स में जो है, मॉडल्स के नाम जो है वो नंबर्स में रखती है। तो ये तो पहला माइक्रो प्रोसेसर था, ये एक मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर है, इट्स वेरी डिफरेंट। इसमें जो है वो आई थिंक कोई 25,000 इसके अंदर जो है वो ट्रांजिस्टर थे, लेकिन ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसमें मिलियंस में होंगे। तो ये इट्स वेरी पावरफुल देन दिस वन। फोर जी कंप्यूटर्स वर फास्टर एंड चीपर, दे हैव वेरी हाई डाटा प्रोसेसिंग स्पीड्स। फोर जी कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू कम्युनिकेशन लिंक टू फॉर्म वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अदर। फोर
For the computer, you different high level languages and application program. For example, CAD, computer aided design, DBS and FoxPro etc. और इसमें जो कंपनीज हैं जो मर्ज हुई 4G नेशन में, दैट वाज IBM, हेवलेट पैकेट, इसको आप HP कह देते हैं, एप्पल है, ये डिफरेंट कंपनी। ओके, फाइनली जो है वो हम डिस्कस करेंगे 5th जनरेशन कंप्यूटर्स। एंड ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये जितने कंप्यूटर्स की जो जनरेशन हमने पहले देखी हैं, इनमें से साइज में सबसे छोटे हैं, पावर में सबसे ज़्यादा हैं, और लेकिन इनके जो प्राइसेज है वो बहुत कम है। तो अब जो ट्रेंड है इससे भी फर्दर ये है कि अब कंप्यूटर्स के साइज और रिड्यूस हो रहे हैं, बट पावर इज इंक्रीजिंग एंड द प्राइस इज रिड्यूसिंग। 5G कंप्यूटर्स आर मोस्ट एडवांस कंप्यूटर्स, 5G कंप्यूटर्स आर फास्टर, स्मॉलर, चीपर एंड हैव अ बेटर डाटा स्टोरेबिलिटी। दे आर नॉट मेड ओनली फॉर कैलकुलेशन, दे कैन हैव, अच्छा ये एक चीज़ है कि कंप्यूटर्स का जो नॉर्मली जो कहा जाता है कि दे आर मेड फॉर कैलकुलेशन, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट जो है ये इतना ज़्यादा जो है वो पॉपुलर नहीं है। नाउ कंप्यूटर इज़ वर्स्ट टाइम मशीन, इसको आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म कर लें, इसको एंटरटेनमेंट टूल के तौर पर यूज़ कर लें, इसको एज अ डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस इसको यूज़ कर लें, सिंपल डाटा प्रोसेसिंग जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करती है लेकिन डाटा प्रोसेस कर सकती है, डाटा कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये सारे काम जो है वो आप इसके ज़रिए, या सिंपली आपने किसी प्रोसेस को ऑटोमेट करना है तो आप कंप्यूटर्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एंड दे हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दे कैन लर्न एंड थिंक। तो उनको हम ऐसे हम उनको प्रोग्राम कर सकते हैं कि दे कैन सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस। दे कुड हैव वॉइस एंड फेस रिकग्निशन कैपेबिलिटीज। 5G कंप्यूटर्स आर पोर्टेबल, दे कैन बी टेकन एनीवेयर। अच्छा ये अब 5G जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या है कि इससे पहले कंप्यूटर्स में पोर्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था। कंप्यूटर्स आर नॉट पोर्टेबल, उसका मतलब ये है कि आप उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, बिकॉज द साइज इज़ वेरी ह्यूज। तो ऐसे नहीं है कि ईजिली उठा के ले जाएं। तो लेकिन जो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, इनमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि दे आर पोर्टेबल। 5G कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू इंटरनेट। 5G कंप्यूटर्स हैव मल्टीमीडिया एबिलिटी, दे कैन प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया, वीडियो, वॉइस एट द सेम टाइम्स। तो ये इनकी जो है वो एक डिस्टिंग्विशेबल। तो फ्यूचर में ऐसे हो सकता है कि जैसे ये देखेंगे, दिस इज द कॉन्सेप्ट कंप्यूटर, मे बी कुछ अरसे में आप इनको देखें। सो दीज आर नोन एज द पेन टाइप कंप्यूटर्स, ये पेन है सिंपली, एंड इट कैन बी ओपन। ये क्या कर सकता है कि ये एक स्क्रीन को प्रोजेक्ट कर देगा, दिस इज लाइक प्रोजेक्शन एक सिक्की सर्फ की हुई है, दिस इज प्रोजेक्टेड कीबोर्ड। तो इसमें अब क्या है कि दिस इज़ द कंप्यूटर, आपने इसको क्या करेंगे, इसको फोल्ड करें, अपनी जेब में रख लें, कहीं पे भी ले लें, और जहाँ पे आपने इसको यूज़ करना है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस तरह इसको ओपन करेंगे तो ये आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी, ये कीबोर्ड आ जाएगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक इसका है इस तरह से, आप देखेंगे ये दिस इज़ एक्चुअली प्रोजेक्टेड कीबोर्ड, और ये आपके पास डिवाइस है जिसकी मदद से आप जो है वो काम जो है वो कर सकते हैं। तो अभी तक जो है वो हमने जो देखा वो ये है कि जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि द जर्नी वॉज स्टार्ट फ्रॉम वेयर, वेरी हम्बल बिगनिंग, कि ऐसे कंप्यूटर्स थे जो बहुत बड़े थे और उनको ऑपरेट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती गई, और इम्प्रूव होते होते उसमें इम्प्रूवमेंट इतनी हुई कि कंप्यूटर्स की पावर तो बहुत इन्हांस हो गई, लेकिन उनका साइज़ जो है वो बहुत कम हो गए। तो आज से जब कंप्यूटर्स जो है वो अपने अर्ली लाइफ फेस में थे, तो उस वक्त ये था कि ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि हमारे पास कंप्यूटर्स ऐसे होंगे जिनको आप अपने घरों में रख सकेंगे, लेकिन अब ये है कि कंप्यूटर्स जो है वो हम पर्सनल कंप्यूटिंग इंजॉय करते हैं, विच मीन्स दैट ईच पर्सन हैज़ हिज ओन कंप्यूटर विच इज़ ओनली फॉर हिम, नॉट शेयरिंग, शेयर्ड रिसोर्स नहीं है, दिस ओनली फॉर द वन पर्सन। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम इनके आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे, विच इज़ मॉडर्न नेचर कंप्यूटर है, इनका आर्किटेक्चर को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जो है वो मुलाकात होगी।